नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। समाज में आज भी कई ऐसे दानवीर और समाज सेवी मौजूद हैं जो नित्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कहीं न कहीं समाज और देश की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों इत्यादि पर अपनी निजी सामर्थ्य से दिल खोलकर खर्च करते हैं तथा निर्माण कार्य कराकर आस्था में अपनी एक अलग ही पहचान पैदा करते हैं। दानवीरों की सामाजिक पृष्ठभूमि, इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बुंदेलखंड की माटी में पैदा हुए झांसी जनपद के भगवंतपुरा निवासी एक ऐसे सामाजिक राजनीतिक दानवीर से जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के प्रतापपुरा नामक गाँव में रहकर वहाँ के लोगों की दिल खोल कर सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ निवाड़ी में स्थित गढ़कुंडार का किला और खंगार समाज की कुलदेवी के मंदिर में भी इनका अपना विशेष योगदान रहता है और गढ़कुंडार में हर वर्ष आयोजित होने वाले महोत्सव में भी यह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रतापपुरा के इस राजनीतिक जनप्रतिनिधि तथा क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार उर्फ नन्ना से उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे स्थान पर जहाँ एक छोटा सा जिला निवाड़ी, ये मध्य प्रदेश का अभी नया जिला बना है टीकमगढ़ से टूटकर, और इस ज़िले में अगर इस ज़िले के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात करें और आध्यात्म के बारे में बात करें तो इस ज़िले का नाम पूरे मध्य प्रदेश में अद्वितीय है। और ऐसे ही यहाँ के समाज सेवी हैं जो सदैव अपने कार्यशैली को लेकर, चाहे वह धर्म के प्रति हो या सामाजिक कार्यों के प्रति हो, अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं और लगातार समाज सेवा और धर्म सेवा के काम में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में निवाड़ी के प्रतापपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं रमेश खंगार नन्ना जी। इन्हें लोग नन्ना जी के भी नाम से जानते हैं क्योंकि राजनीति में जब इनका सफ़र प्रारंभ हुआ तो शुरुआत में इनकी पत्नी ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में बागडोर इनके हाथ में आई और अभी वर्तमान समय में इनकी पुत्र वधु के हाथ में क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की बागडोर है। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश खंगार नन्ना जी जो कि खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम आज उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन परिचय उन्हीं की जुबान से आप लोगों को सुनवाने जा रहे हैं। तो रमेश जी, आप हमें बताएं कि आपने राजनीति के इस क्षेत्र में जब कदम रखा तो उस समय से पूर्व के इतिहास को मैं जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन राजनीति में आपने जब कदम रखा तो उस समय आपके सामने किस तरह की विषम परिस्थितियाँ आईं, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जब मैं जेल में था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी बाहर जाके मैं अपने घर में रह पाऊँगा या मैं अपनी समाज या अपने कुटुंब परिवार में जाके मिल पाऊँगा। मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत दलदल में घुस गया हूँ और मैं सोचता था कि पुलिस मुझे कभी जीना भी नहीं देगी और रहने भी नहीं देगी। लेकिन मेरे मन में आया कि चुनाव हैं, तो मैंने कहा जेल से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप फार्म भरिए। बोले कैसे भरेंगे, अपनी तो दुश्मनी चलती है। तो मैंने कहा फार्म भरिए और मैं पैरवल खराब के आऊँगा और मैं अपना कुछ तो करेंगे। इसके बाद मेरी पत्नी ने फार्म भरा और मेरा जो है ब्लाक बड़ा गांव पड़ता था, भगवंतपुरा से चुनाव लड़ा था झांसी ज़िले में, उसमें मैं 600-700 वोट से मेरी पत्नी जीती थी जो कि ब्लॉक में सारे सबको मात देकर फर्स्ट नंबर पे मेरी पत्नी जीत के आई थी। उसके बाद फिर 5 साल हम लोगों ने विकास किया, इतना विकास किया कि पूरे 2 गांव थे, भगवंतपुरा लक्ष्मणपुरा। इसके बाद जब इतना विकास किया कि दोबारा फिर चुनाव हुआ तो दोबारा फिर मैं जेल पहुँच गया। उस बार फिर मैंने BDC का चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी ने प्रधानी का चुनाव लड़ा। हम दोनों लोग 600 वोट से जीते, 555 वोट से जीते, दोनों फिर विजयी हुए। फिर जब हमारी थोड़ी राजनीति में पकड़ होने लगी, सारे MLC वगैरह विधायक जी सांसद जी को ये लगा कि जो आदमी जेल से चुनाव जीत रहा है तो इसको खामखा में बदमाश बना रही है पुलिस, इससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है। फिर उन लोगों ने मेरे को बुलाया और उनने कहा कि आप हमारे उसमें आइए। जब मैं उनके पास पहुँचा तो किस राजनीतिक दल से अपनी राजनीति का सफर प्रारंभ, समाजवादी पार्टी से शुरू की थी और यहाँ तक शुरू की थी कि जो हमारे माननीय चंद्रपाल जी हैं उनने जो चुनाव
रखा था, उनने मुझे प्रत्याशी बनाया था और उनने मुझे जेल से बाहर निकाला था, उनने मैंने उनका प्रचार किया था। इसके बाद जो श्याम सुंदर सिंह MLC है, उनने भी मुझे एक बार जेल में चुनाव लड़ा, जेल से निकाला था, क्योंकि मेरी पत्नी का भी वोट था, मेरा भी वोट था और उनने मेरा फार्म भराया था इसलिए सपोर्ट में कि रमेश खंगार मेरे बगल में रहेगा और मेरा सपोर्ट करेगा। तो मैं जेल से निकल के मैंने MLC का भी चुनाव लड़ा था, MLC भी जीते थे, जो चंदपाल नेताजी ने मुझे लड़ाया था वो भी जीते थे और मैं तो जीता ही जीता था। वर्तमान समय में आप किस दल की राजनीति कर रहे हैं? अभी मैं BJP का जो है, मेरी बहू जनपद अध्यक्ष है अनिवाड़ी की और BJP में मैं तन मन धन से हूँ और ये बात तो पूरी यहाँ की पूरी निवाड़ी क्या पूरे लोग जानते हैं कि मैं BJP जोन की हूँ। जब से आपने और आपके परिवार ने राजनीति का सफ़र प्रारंभ किया है तो इस दौरान आपने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य अब तक किए हैं? समाज सेवा में तो मैंने शुरू से जो है, मैंने देखो मैंने अपनी दो भानेजों की शादी की थी जब मैं जेल से आया, मेरी लड़कियों की शादी जब मैं जेल में था तो मुझे 24 घंटे की पैरवल मिली थी। उसके बाद मैंने दो अपनी भतीजी की लड़कियों की शादी की। इसके बाद मेरे एक साथ रहता था बीरन खंगार नाम का छेवटा का, उसका जो है वो मर चुका था मेरे फार्म पे करंट से, उसकी दो लड़कियों की मैंने शादी की। फिरतापुरा में मेरे बुआ के लड़के त्रिलोक रहते थे, उनकी लड़की की शादी की। एक धर्म खंगार था वो ख़त्म हो गया, उसकी लड़की की शादी मैंने की। ऐसी शादी मैंने एक करेरा में, एक जो है बगेदई गांव है वहाँ का एक आया कि मेरी लड़की है और मेरे पास कुछ नहीं है, मड़वा का देने और नन्ना मदद करें। तो मैंने क्या मदद करें, बोले मेरे पास जो भी जायदाद है वो सारी तुम ले लो और मेरी लड़की की शादी कर दो। तो मैंने कहा भी तुम जितना पैसा ले जाओ, फिर बाद में देखे लेन देन या जमीन जमान की बात की है। मैंने उनको पैसा दिया खंगा, उसमें करेरा क्षेत्र के लोगों को पता है तो पता कर लेने जाके मैंने उसकी शादी में पूरा सहयोग किया। पूरी शादी पर जो गढ़कुंडार के किले पर जो महोत्सव होता है, इस महोत्सव में आपका क्या योगदान रहता है? इस महोत्सव में मेरे से पहले जब जो पिंडारी ही रहा करते थे उसमें मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, सारा सहयोग मेरा रहा है। केवल पिंडारी तो 3 दिन के लिए आते थे, उसमें चाहे झाड़ू का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे किसी अधिकारी के पास जाने का हो, जो भी काम मैं संभालता था पिंडारी आए और न कर लेना, जे कर लेना, वो कर लेना, सारा काम मैं करता था। फिर उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद जो है मलखान सिंह दद्दा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरफ पिंडारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरह कहा कि हम तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते अलग अलग करके। मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा नहीं। बोले क्यों? हमने कहा अगर दोनों लोग मेरा सपोर्ट करो तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोनों लोगों ने मेरा मंच पर, कलेक्टर, SP, मंत्री, पूरी समाज के सामने दोनों लोगों ने मुझे मंच पर घोषणा की थी कि कितना विकास किया है, कि समाज से भी यहाँ के लोकल के लोगों से पूछिए। मैं जितना मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर शायद दूर है, तो मैंने कहा जब लोग आते होंगे तो कहाँ किससे पूछते, उन्हें इंतजार करना पड़ता है इस बात का कि कौन निकले, हम किससे पूछें। तब मैंने सबसे पहले वहाँ गेट बनाया, मैं सदस्य बनने लायक नहीं था। जब मैंने गेट बनाया तब से माँ ने मुझे इतनी तरक्की दे दी इतना कि आज मैं, मेरी बहू जनपद अध्यक्ष निर्विरोध है, जबकि आज तक इस जनपद में कोई निर्विरोध नहीं बना है। पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष मेरी बहू बनी है, इस सब माँ की देन है। और इसके बाद कुंड का निर्माण भी वो देख लिया अपने, महाराजा खेत सिंह की मूर्ति छोड़ के, वो मलखान सिंह दद्दा ने कहा था कि यहाँ आप ये करिए कि मूर्ति लगाना है, तो दद्दा ने मूर्ति मंगाई। मैंने पूरे मूर्ति छोड़ के पूरा विकास जितना हुआ मेरे पैसे से हुआ है। कुंड का देख लो, यहाँ रोड की, और जो मैंने मेला ग्राउंड से किले के लिए रोड बना वो मैंने निजी पैसे से बनाया, चाहे वो कुलदेवी से लेके सकूरी डाबर हो वहाँ तक का रोड की मरम्मत मेला के टाइम पे होती तो मेरे द्वारा होती है। मंदिर आने के लिए बीच में करीब 1 या 1.5 किलोमीटर का रास्ता दुर्गम है, कच्चा है, आने में यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती हैं श्रद्धालुओं को, तो इस बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? क्या ये रोड आप कभी सरकारी निधि से बनवाएंगे या अपने निजी खर्चे पर? मैंने अभी एक भवन बनाया 12 लाख से, वो मैंने अपनी निधि से बनवाया है। एक मैंने CC रोड भी यह बनवाया था, वो भी अभी मेरी जनप्रतिनिधि से बनाई है। कुछ दीप नारायण विधायक जी रहा करते, मीरा यादव, उनने भी कुछ बनाई थी, कुछ मैंने बनाई थी, ऐसी ये बात। और बाकी मैंने एक भवन बनाया, वो भी मैंने निधि से बनाया। अगर मेरी निधि आती है तो सबसे मेरा प्लान है मंच पर एक मंच बनाऊंगा, या 3 सेट की जो हमारे यहाँ समाज के लोग आते हैं उसके लिए व्यवस्था बनाऊंगा। माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक निधि आ जाए तो मैं 10-25 लाख रुपए उस निधि से मैं वहाँ अपनी समाज के लिए कुछ कर दूँ। बाकी तो मैं अपनी जेब से जो मुझसे बन रहा है वो कर ही रहा हूँ। मंदिर का निर्माण की कर लो, मंदिर का निर्माण आज के दौर में हर समाज जो है जागरूक हो रही है और हर समाज अपने समाज को जागृत करने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को बताती है। आप अपनी समाज को क्या बताना चाहेंगे? आपकी समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको आपकी समाज कैसे दूर करे? आप अपनी समाज के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे?
मेरी समाज बहुत अच्छी है और गिने चुने दो चार लोग हैं जो जो समाज को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। अगर वो चाहें दो चार लोग तो हमारी समाज इकट्ठे होने में कोई दिक्कत नहीं है और मेरी समाज तो वैसे पूरी इकट्ठी है। जो दो चार है जो व्हाट्सअप फेसबुक पर चलाते हैं पता नहीं वो मेरी समाज के भी हैं कि नहीं है, वो लोग जो है बिघन फैला रहे हैं, बाकी हमारी समाज सब एक है। और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो थोड़ा अगर प्रयास करें, समाज सेवा है जो जो बढ़िया काम कर रही है, हमारे पूरे बुरे हमारे जितने पदाधिकारी हैं सारा मेरा सहयोग करते हैं, सारे मेरे मैं एक हज़ार रुपये मेरे सारे पदाधिकारी समाज सेवा विकास संघ के वो आगे आगे चलते हैं, मेरे कब फोन का इंतजार करते हैं कि नन्ना का कब फोन आए, कब हम नन्ना के साथ खड़े हों। धन्यवाद रमेश खंगार नन्ना जी। और अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे रमेश खंगार नन्ना जी। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनका जीवन जब प्रारंभ होता है तो कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यही लोग आगे चलकर इतिहास रचने का काम करते हैं। और वही कार्य हमारे साथ मौजूद रमेश खंगार नन्ना जी इतिहास रचने का कार्य, मंदिर के निर्माण के लिए भी ये सतत प्रयासशील हैं। नमस्कार। मंदिर के द्वार पर उनके द्वारा बनवाया गया यह कुंड अपने आप में तमाम विशेषताएं लिए हुए है। बताते हैं कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग के रोगियों का चर्म रोग दूर हो जाता है। आइए सुनते हैं क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार उर्फ नन्ना से इस कुंड की विशेषताओं के बारे में। का हार्दिक स्वागत है, मैं आरती परिहार। नमस्कार नन्ना जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आपने इस कुंड का निर्माण कब कराया था? मैंने इसी अगली साल में इसका कुंड का निर्माण किया, दिसंबर के पहले। और इस कुंड की विशेषता है कि दिसंबर के पहले करा था। इस कुंड की विशेषता है कि बताते किसी को खाज खुजली हो और इस पानी से नहा लो तो उससे खाज खुजली दूर हो जाती है। अच्छा, बाकी हमारी माता कुलदेवी का अभी अभी का एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक हमारी समाज में जो है उत्तम सिंह खंगार हैं नादौरा के, उनके बेटे का पूरा विकलांग था और वो सब डॉक्टरों के पास गए, वहाँ कहीं इलाज नहीं हुआ। वो मुझसे बोले कि नन्ना मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा बच्चा जो है बहुत मतलब स्थिति ख़राब है। तो मैंने कहा तुम एक बार माँ का जागरण पे आ जाओ और एक परिक्रमा लगवाओ। तो बोले नन्ना जी वो बच्चा परिक्रमा लायक नहीं, यहाँ आके तो देखो तुम। तो वो आया, जैसे जैसे यहाँ आया और बच्चा उतर के दौड़ लगा के मंदिर पहुँच गया। ये कोई बनावटी बात नहीं है, उत्तम नांदोरा जो है उससे कोई भी समाज बंधु कोई भी पूछ सकता है। उसका बच्चा जब मैं आया तो बच्चा दौड़ के वहाँ चबूतरे पर चढ़ गया। मैंने भैया तुम्हारा बच्चा कहाँ है? जो वो नहीं नहीं चल पाता है। बोले नन्ना बच्चा तो दौड़ लगा के मंदिर पर आ गया। हमने कहाँ है? बोले जी। तो उस बच्चे को देख के मैंने कहा जाओ माँ, साक्षात माँ, मुझे ऐसे लगा कि साक्षात माँ ने आके आशीर्वाद दे दिया हो। और वो बच्चा अभी जिसको देखना हो दौड़ लगा रहा है, कोई भी देख सकता है, जबकि दिल्ली के डॉक्टरों तक इलाज नहीं हुआ उसका। यहाँ ऊँचाई है कम से लगभग 400-500 फुट ऊपर है अपन, और इस कुंड में कभी सूखता नहीं है। मैंने देखा है खूब चाय जितनी सूखा पड़ी है लेकिन इस कुंड में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और यहाँ आँख है उसको देखिए, उसमें भी पता लगे ऊपर है वो, उसमें भी ऐसे पानी भरता है जैसे कोई लोग आके पानी भर देते हों, दिन भर भरा रहते हैं, सब 12 में पानी भरा था। उसको भी आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ तो माँ हमारी गजानन मैया की उपमैया लगे, उनका तो एक अलग ही चमत्कार है। देखने देखते जो लोग यहाँ जुड़े हैं उनको पता है, मैं जब से यहाँ माँ गजानन से जुड़ा हूँ मेरा तो अलग ही चमत्कार है। इसलिए मैं कहीं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, माँ ही मुझे दे रही, तो मैं सब यहाँ कर रही हूँ। इस कुंड को बनाने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो हमारी समाज आती है कुंड का एक सुंदरीकरण बनाना था, कि जो मेरी समाज के लोग आएंगे देखेंगे एक सुंदरीकरण से हमारी समाज में एक जागरूकता आई है और हमारी समाज के लोग भी सोचेंगे कि हम ये करें हम वो करें। अभी मैंने एक मैं वो धर्मशाला भी बनाने जा रहा हूँ, कम से कम परसों या नर्सों से मेरा काम यहाँ चालू हो रहा है। जो मैंने माननीय विधायक जी से बोला है कि हमारी समाज में एक धर्मशाला की ज़रूरत है तो उन्होंने 4 लाख दिए हैं। अनिल जैन विधायक जो हमारे बीजेपी से हैं उन्होंने 4 लाख रुपये दिए धर्मशाला के लिए और वो पैसा ठेकेदार के पास पहुँच चुका है। 4-5 दिन से काम स्टार्ट हो गया, 2 महीने में यहाँ धर्मशाला बन जाएगी। और जो हमारे माननीय हमारे विधायक जी अनिल जैन की और उनका एक मैं आभारी हूँ इस बात पर। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कुंड के बारे में? मैं अपनी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी समाज यहाँ जुड़ी हुई है पूरी और यहाँ आती है, सब माथा टेकती है और कुंड के बारे में समाज को तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अन्य समाज है वो भी देखती है, सब आती है। और इस कुंड के बारे में मैं क्या बताऊँ, पूरी समाज जानती है इस कुंड की क्या महिमा है। आप बने रहिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स पर, हम अपने अगले एपिसोड में प्रसारित करेंगे खंगार समाज की कुलदेवी के इस मंदिर पर रमेश खंगार नन्ना द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में तथा मंदिर के चमत्कारों के बारे में। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो
तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले एपिसोड के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए।